हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का था। थर्ड का नाइन्थ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया हुआ ई रेज टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो यहां पर देखेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू e रेज टू x स्क्वायर साइन स्क्वायर x और प्लस में आपके पास कितना दिया हुआ है cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये y का डेरिवेटिव जो हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, देख रहे ये टोटल वैल्यू अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ये x है। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेस टू x। ठीक है, तो ये e रेस टू x का डेरिवेटिव हो जाएगा x स्क्वायर और उसके बाद साइन स्क्वायर x और प्लस में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x इनटू क्या, जिसको आपने x लिया हुआ है, मींस d बाई dx ऑफ, ठीक है, क्या लिया आपने x स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस में कितना लिया हुआ है cos स्क्वायर x लिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब चलते हैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पर देखेंगे ये दो फंक्शन सेपरेट है, तो यहां पर दो फंक्शन है, ये देख रहे हैं एक ये है और एक ये है, और ये जो है आपके पास क्या है वो सेपरेट है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास मिलेगा कितना e रेस टू x स्क्वायर और उसके बाद कितना साइन स्क्वायर x और प्लस में कितना है cos स्क्वायर x। ठीक है, इनटू ब्रैकेट में देख रहे हैं यहां पर दो फंक्शन है, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा x स्क्वायर और उसके बाद साइन स्क्वायर x प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ। तो यहां पर देखेंगे ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है क्योंकि दो x दिख रहे हैं, एक फंक्शन ये है। तो फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर इसको लिखेंगे एक लाइन x स्क्वायर और उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड कितना दिया हुआ है अपने पास साइन स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ये बीच में प्लस दिया हुआ है तो प्लस। अब ये देखेंगे आपके पास क्या होता है cos स्क्वायर x, देख रहे स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर जैसा, इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 2 cos x हो जाएगा इनटू, ठीक है, cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में cos x। ठीक है, ये इतना हुआ। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं फर्दर, तो अपने पास मिलेगा कितना e रेज टू एक्स स्क्वायर और उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, ठीक है, इंटू ये ऊपर नहीं है, ये यहां पर इंटू दिया हुआ है। ठीक, अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू ये देख रहे हैं साइन स्क्वायर, जैसे इधर देखिए कॉस स्क्वायर का किया इस तरीके से, इसका कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स आप कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहां पर कितना दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इंटू टू एक्स प्लस में ये देख रहे हैं 2 कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं माइनस में 2 उसके बाद कॉस एक्स इंटू कितना हो जाएगा साइन एक्स आ गया। ठीक है, तो चलिए अभी अपने पास ये डेरिवेटिव बचा है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है cos x हो जाएगा। तो यहां पर इसको लिखेंगे e रेज टू x स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर x और प्लस में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x इनटू ब्रैकेट में एक है sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x, तो कितना हो जाएगा 2 sin x 2 x स्क्वायर लिख दीजिए 2 x स्क्वायर इनटू sin x इनटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x प्लस में ये कितना दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर x
टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में ये देख रहे हैं इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन टू एक्स, ठीक है ये हो जाएगा साइन टू एक्स हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे इसको अगर लिया जाए और इसको लिया जाए इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन टू एक्स, तो फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स की, डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू अपने पास कितना मिलेगी e रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट में इधर, ठीक है इन ब्रैकेट में देख रहे हैं ना इसको लेकर साइन टू एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर उसके बाद साइन टू एक्स और प्लस में टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन टू एक्स। तो ये अपने पास फाइनल डेरिवेटिव आपके पास आया क्वेश्चन नंबर थर्ड का 10th वाला पार्ट, ठीक है चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फटाफट हम लोग निष्कर्ष पर मूव करते हैं। चलिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है e रेस टू x रेस टू 5, ठीक है x रेस टू 5 इनटू e रेस टू x दिया हुआ है, ठीक है तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन अपने पास हो जाएगा लेट करेंगे लेट y इज इक्वल टू e रेस टू x रेस टू 5 इनटू e रेस टू x हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे अपने पास दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है यहां पर चलते इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट कितना दिया ई रेस टू एक्स रेस टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड कितना दिया हुआ ई रेस टू एक्स दिया हुआ है d by dx of e raise to x raise to 5 हो जाएगा, ठीक है तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करो। तो यहां पर देखेंगे इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा e raise to x raise to 5 into e raise to x का डेरिवेटिव e raise to x, ठीक है प्लस में e raise to कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है into e raise to x का डेरिवेटिव यानी कि e raise to इसको क्या करना पड़ेगा x raise to 5 को x जैसा कंसीडर करना पड़ेगा, तो कितना हो गया e raise to x raise to 5 into d by dx of what जिसको आपने x कंसीडर किया हुआ है x किसको कंसीडर किया हुआ है x रेस टू 5 को, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अपने पास मिलेगा कितना e रेस टू x रेस टू 5 into e रेस टू x प्लस e रेस टू x into e रेस टू x रेस टू 5, ठीक है into x रेस टू 5 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 5 x रेस टू 4 हो जाएगा, ठीक है x रेस टू n का फॉर्म है, ये देख रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में कॉमन है इसको बाहर निकाल लो। तो बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा बाहर निकालेंगे e रेस टू x रेस टू 5 इनटू e रेस टू x को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है तो अपने पास बचा कितना है यहां से पूरा चीज निकाल लिए तो बचा कितना 1 प्लस 5 x रेस टू 4 बचा हुआ है। तो ये अपने पास फाइनल वैल्यू आई किसकी dy / dx की ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है दिया हुआ e रेस टू cot x इनटू tan उसके बाद x इनटू e रेस टू x दिया हुआ है, ठीक है इसको हमको डिफरेंशिएट करना है तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लेट करना पड़ेगा लेट y इज इक्वल टू e रेस टू कितना दिया हुआ है cot x इनटू tan ऑफ x इनटू e रेस टू x दिया हुआ है, ठीक है चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डेरिवेटिव dy / dx, ठीक है
देख रहे हैं ना, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये टोटल दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके अंदर दो है, एक ये है और एक ये है, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट कितना दिया हुआ है, ई रेस टू क्या दिया हुआ है, कॉट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन, ठीक है, टेन, और उसके बाद एक्स इंटू ई रेस टू एक्स दिया हुआ, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड कितना दिया हुआ है, tan x into e raise to x दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, d by dx of, d by dx of कितना दिया हुआ है, e raise to cot x दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा, e raise to cot x into tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec square x होता है, ठीक है, हो जाएगा sec square x, x के जगह पर x into e raise to x into, ये टोटल आपने x लिया हुआ है, इसको आप क्या लिखेंगे, d by dx of x into e raise to x plus में ये कितना दिया हुआ है, tan, उसके बाद x into e raise to x into, इसका डेरिवेटिव e raise to x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e raise to x ही होगा, e raise to कितना हो जाएगा, cot x into, इसको आपने x लिया हुआ है, cot x को, तो d by dx ऑफ कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब यहां पर देखेंगे, ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पर फर्दर इसको यू कैन राइट डाउन e raise to cot x, ठीक है, e raise to cot x, आप चाहो तो e raise to cot x को कॉमन ले लीजिए, इसमें भी है और उसके बाद इसमें भी है, तो e raise to cot x को कॉमन ले लीजिएगा, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो अपने पास मिला कितना, sec square x, sec square x into e raise to x into इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपने पास ब्रैकेट में हम लिखते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव x into, ठीक है, इसको इस तरीके से इस ब्रैकेट में लिखते हैं, देख रहे ना, x फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब d by dx of e raise to x, ठीक है, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब e raise to x into d by dx of x हो जाएगा, ठीक है, ये इसका हो गया। अब उसके बाद प्लस में आपके पास कितना दिया हुआ, प्लस में tan x into e raise to x दिया हुआ है, cot x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस cosec square x, तो यहां पर माइनस लिख सकते हैं, देख रहे हैं ना, यहां पर हमने माइनस लिख दिया और उसके बाद कितना हो जाएगा, cosec square x हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका डेरिवेटिव बचा हुआ, इसका डेरिवेटिव बचा हुआ है, इन दोनों का डेरिवेटिव लिखते हैं, कितना हो जाएगा, e raise to क्या है, cot x, ब्रैकेट में कितना है, sec square x into e raise to x into, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा ब्रैकेट में, x into e raise to x plus, देख रहे हैं, e raise to x into x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में कितना है आपके पास, देख रहे हैं ना, माइनस में cosec square x into टाइम में कितना दिया हुआ है, x into e raise to x दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए इसको फर्दर हम लोग सिस्टमेटिक करके लिख देते हैं, तो फाइनल जो वैल्यू आई अपने पास कितना, dy by dx की फाइनल वैल्यू जो आई e raise to cot x, ठीक है, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, sec square x, x के जगह पर x into e raise to x, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है, x into e raise to x प्लस में e raise to x दिया हुआ है, माइनस में कितना है, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, तो ये फाइनल वैल्यू अपने पास आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स का। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट डाउन करो, फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए अपने का पास क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x डिवाइड बाई e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है हमको, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन, इसका निकालते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है,
तो लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू e रेस टू 2x प्लस में e रेस टू माइनस 2x डिवाइड बाय e रेस टू 2x और माइनस e रेस टू माइनस में 2x। ठीक है, इतनी बातें दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। तो इसको देख रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं e रेस टू 2x प्लस में 1 अपॉन e रेस टू 2x डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय e रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेस टू 2x। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये आपके पास डिनोमिनेटर में होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा कितना अपने पास, मिलेगा e रेस टू 4x प्लस में 1 डिवाइड बाय e रेस टू 4x माइनस में 1। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एक लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy / dx इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, मींस e रेस टू 4x माइनस में 1 dy dx ऑफ e रेस टू 4x प्लस 1 माइनस में क्या होता है, न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर कितना है e रेस टू 4x प्लस में 1 dy dx ऑफ e रेस टू 4x माइनस में 1 टोटल डिवाइड बाय अपने पास कितना हो जाएगा, e रेस टू 4x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस साइड में। तो यहां पर देखेंगे ये तो अपने पास मिलेगा कितना, e रेस टू d बाय dx, d बाय dx की वैल्यू आएगी e रेस टू 4x माइनस में 1। ठीक है, ये देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e रेस टू 4x का डेरिवेटिव e रेस टू 4x, तो कितना हो जाएगा e रेस टू 4x इनटू 4x का डेरिवेटिव, अब डायरेक्ट हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, 4x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहां पर आइएगा माइनस बीच में, तो e रेस टू कितना है 4x और प्लस में 1 इनटू e रेस टू 4x का डेरिवेटिव, e रेस टू कितना हो जाएगा 4x इनटू 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा और माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देख रहे ना, सॉरी ये अपन प्लस 0 है, यहां पर कितना आ जाएगा माइनस में 0 हो जाएगा। टोटल डिवाइड बाय कितना है अपने पास, टोटल डिवाइड बाय e रेस टू 4x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको फर्दर आगे सिंपलीफाई करके लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इनटू e रेस टू 4x और ब्रैकेट में e रेस टू 4x माइनस में 1 और माइनस में 4 e रेस टू 4x, ठीक है, ब्रैकेट में e रेस टू 4x प्लस में 1, टोटल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा e रेस टू 4x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन हो रहा है 4 e रेस टू 4x को कॉमन ले लीजिएगा, तो मिलेगा कितना आपके पास 4 e रेस टू 4x को कॉमन लिया तो कितना मिला e रेस टू 4x माइनस 1 माइनस में e रेस टू 4x और माइनस में 1 आ गया। ठीक है, माइनस में 1, टोटल डिवाइड बाय कितना जाएगा e रेस टू 4x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। अब ये देखेंगे ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 8, तो मिलेगा कितना माइनस 8 e रेस टू 4x डिवाइड बाय माइनस 8 e रेस टू 4x डिवाइड बाय e रेस टू 4x माइनस 1 का स्क्वायर, तो अपने पास ये कितना है dy / dx की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 7 रेस टू x प्लस 1 बाई x दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन इसका होगा कितना, पहले लेफ्ट करेंगे
y इज इक्वल टू 7x + 1x हो जाएगा। तो एक लाइन यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, देख रहे हैं ये a रेस टू x जैसा, ये टोटल वैल्यू अपने दिमाग में x जैसा का चिगर करना है। a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x मतलब x प्लस 1 बाई x इनटू किसको आपने x लिया हुआ है, आपने x लिया हुआ है x प्लस 1 बाई x को x लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये हो जाएगा 7 रेस टू x प्लस 1 बाई x इनटू ये देख लेना x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और ये देखिए 1 बाई x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक चीज हम लोग बोल रहे हैं a रेस टू x का डेरिवेटिव कितना होता है, a रेस टू x का डेरिवेटिव कितना होता है, a रेस टू x log of a होता है। तो a रेस टू x का डेरिवेटिव तो कर दिया, इनटू कितना हो जाएगा log of 7 इनटू log of कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इसको फाइनल लिखेंगे, तो फाइनली इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा 7 रेस टू x प्लस 1 बाई x इनटू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू log of कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये अपने पास फाइनल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, 15 क्या दिया हुआ है a रेस टू 5 रेस टू कितना दिया हुआ है साइन x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू a रेस टू 5 रेस टू कितना हो जाएगा साइन x हो जाएगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy by dx, ठीक है। y का डेरिवेटिव dy by dx, a रेस टू x का डेरिवेटिव, देख रहे ना ये टोटल वैल्यू अपने दिमाग में कंसीडर करना पड़ेगा क्या है x है, तो a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 रेस टू sin x इनटू इनटू कितना हो जाएगा log of a इनटू जिसको आपने x लिया हुआ है उसका डेरिवेटिव मींस dy by dx ऑफ 5 रेस टू कितना है आपके पास यहाँ पर साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे ये भी a रेस टू x जैसा है, तो ये साइन एक्स x का काम करेगा यहाँ पर इसके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना a रेस टू 5 रेस टू कितना है साइन एक्स इनटू log of a इनटू 5 a रेस टू x का डेरिवेटिव फिर कितना हो जाएगा 5 रेस टू कितना हो जाएगा साइन एक्स इनटू इनटू कितना हो जाएगा log 5 इनटू किसको आपने x लिया हुआ है साइन x को मींस dy by dx ऑफ व्हाट साइन x हो जाएगा, ठीक है। चलिए साइन x का डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा a रेस टू 5 रेस टू कितना है साइन x है इनटू आपके पास कितना log a इनटू कितना हो जाएगा 5 रेस टू साइन x इनटू log 5 इनटू, ठीक है। साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा a रेस टू 5 रेस टू साइन x, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा 5 रेस टू साइन x इनटू आपके पास कितना हो जाएगा log a इनटू कितना हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट log 5 इनटू आपके पास हो जाएगा cos x। तो ये dy by dx की फाइनल वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है a रेस टू cos x डिवाइड बाय इन रूट में 1 प्लस में x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहां पर इससे बात करते हैं,
तो यहां पर देखेंगे तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, सॉल्यूशन में लेट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू a रेज टू कितना है cos x डिवाइड बाय इन रूट मध्ये 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर एक लाइन देखना पड़ेगा इसके लिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, ठीक है, तो न्यूमरेटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना a रेज टू cos x, ठीक है, सॉरी यहां पर हो जाएगा डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मींस रूट में 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dy बाय dx ऑफ a रेज टू कितना हो जाएगा cos x, माइनस में क्या हो जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर a रेज टू कितना है cos x इनटू इनटू किसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, कहने का मतलब कितना हो जाएगा dy dx, ये रूट में वैल्यू है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू 1 बाय 2 टोटल डिवाइड बाय, टोटल डिवाइड बाय रूट में 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो अपने पास मिलेगा कितना है, अपने पास मिलेगा इन रूट में 1 प्लस x स्क्वायर इनटू a रेज टू x का डेरिवेटिव कितना होता है a रेज टू x ही होता है, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा a रेज टू क्या हो जाएगा cos x, अब ये देख रहे हैं ना ये आप x जैसा इसको कंसीडर कर रहे हैं इनटू d इनटू log ऑफ कितना हो जाएगा a इनटू dy dx ऑफ कितना हो जाएगा cos x, ठीक है, cos x माइनस में a रेज टू कितना है आपको cos x इनटू देख रहे हैं ना ये पावर जो है वो फ्रंट में आएगा, ये कितना हो जाएगा 1 by 2 1 प्लस में x स्क्वायर रेज टू 1 by 2 माइनस 1 इनटू इसको आपने x जैसा कंसीडर किया हुआ है तो कितना हो जाएगा d by dx ऑफ 1 प्लस में कितना x स्क्वायर, ठीक है, टोटल डिवाइड बाय, टोटल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा टोटल डिवाइड बाय इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 प्लस x स्क्वायर आ गया, ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव बाकी है और इसका डेरिवेटिव बाकी है, ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सबसे पहले a रेज टू cos x, a रेज टू cos x को बाहर निकाल लेते हैं, तो a रेज टू cos x को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा a रेज टू cos x को बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो ये अपने पास कितना मिला इन रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या दिया हुआ है log ऑफ a दिया हुआ इनटू cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस में sin x, तो यहां पर हम नेगेटिव लगा दिया माइनस sin x हो गया, ठीक है, माइनस में 1 बाय 2 उसके बाद कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू माइनस 1 बाय 2 हो गया, ठीक है, इनटू 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x आ गया टोटल डिवाइड बाय, ठीक है, टोटल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर बचा, ठीक, अब यहां पर देखेंगे ये वैल्यू रेज टू माइनस 1 बाय 2 है ये आप डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो फर्दर यू कैन राइट डाउन, चलिए इधर इसको लिखते हैं फाइनल वैल्यू, ये देख रहे ना इसको 1 बाय करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू a रेज टू कितना दिया हुआ है cos x दिया हुआ है a रेज टू cos x इन ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस को भी बाहर निकाल लो, ये भी माइनस है यहां भी माइनस है, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, माइनस a रेज टू cos x को बाहर निकाल लिया, तो ये मिलेगा आपके पास इन रूट में 1 प्लस x स्क्वायर इनटू आपके पास कितना मिलेगा log ऑफ a इनटू कितना मिलेगा sin x मिलेगा और ये आपके पास हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन 2 इन रूट में 1 प्लस में x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, अब ये इनटू कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, तो यहां पर 2x लिख सकते हैं इसको देख रहे हैं ना यहां पर 2x लिख दिया इसको ब्रैकेट क्लोज ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो टोटल डिवाइड बाय अपने पास कितना दिया हुआ है 1 प्लस में x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इधर देख रहे हैं ना इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करके नीचे डिवाइड कर देते हैं तो इसका पावर 1 है इसका पावर 1 बाय 2 है 1 प्लस 1 बाय 2 कितना हो जाएगा 3 बाय 2 हो जाएगा, तो चलिए फाइनल वैल्यू लिखते हैं dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx की फाइनल वैल्यू हो जाएगी माइनस a रेज टू कितना cos x इन ब्रैकेट में
ये देख रहे हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना मिलेगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इनटू कितना है लॉग ए इनटू कितना है साइन एक्स, और प्लस में कितना दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, ब्रैकेट को क्लोज किया, ठीक है ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दिया, टोटल डिवाइड बाय, ये देख रहे ये डिनोमिनेटर में आएगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो ये अपने पास मिलेगा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, तो ये फाइनल अपने पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं इसका स्क्रीनशॉट लो।